हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? और स्वागत है आपका श्री मोटर यूट्यूब चैनल पे। और आज फिर हम वापस आपके बीच में लेकर आए एक नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं, जो कि एक समय में लोगों के लिए रोजी रोटी हुआ करती थी। काफ़ी बढ़िया गाड़ी है और आज भी शायद मार्केट में होती तो आज भी इसको बढ़िया रिस्पॉन्स ही मिलता, बट अब डिसकंटिन्यू हो गई है, कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी हमारे पास अवेलेबल है और काफ़ी बढ़िया और बहुत मिंट कंडीशन की गाड़ी अवेलेबल है। तो आइए दिखाते हैं आपको गाड़ी, बहुत ही बिल्कुल एकदम बोल सकता हूँ मैं, बहुत मिंट कंडीशन की गाड़ी है। जिसने भी रखी बहुत तरीके से रखी हुई है और 2014 मॉडल की ये टाटा इंडिगो ECS मॉडल है। और दो मॉडल्स आते थे बेसिकली इसके अंदर, एक आता था आपका CR4 इंजन और एक आता था आपका TDI इंजन। तो अभी जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं दोस्तों, ये आपकी TDI इंजन है और LX मॉडल है, टॉप एंड मॉडल है। इसमें दो वेरिएंट्स आते थे, एक LS और एक LX। LS के अंदर फ्रंट 2-door पावर विंडो आते थे और LX के अंदर 4-door पावर विंडो और कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम आता था। तो ये टॉप एंड मॉडल है उस समय का। आप देख सकते हैं स्क्रैच नहीं है गाड़ी के अंदर, ओरिजिनल पेंट पे है, बिल्कुल परिवार की चली हुई गाड़ी है। टायर की कंडीशन भी अपोलो के टायर लगे हैं इसके अंदर, बहुत बढ़िया कंडीशन के हैं। और 175/65 R14 का इसके अंदर टायर साइज आता है, काफ़ी बढ़िया कंडीशन की है। साथ में आपका साइड ग्लास में भी इंडिकेटर दिए हैं ORVM में, ये भी काफ़ी बढ़िया है कंडीशन में, एकदम बिल्कुल नई कंडीशन जैसे दिख रहे हैं एकदम। और उसके साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस भी इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी का। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप पीछे से भी देख सकते हैं, एक आप राइट साइड की जो प्रोफाइल देख रहे हैं गाड़ी की, आप देख सकते हैं एकदम नीट एंड क्लीन है, किसी प्रकार का कोई डेंट नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्क्रैचेस नहीं है। और साथ ही साथ अब आप रियर व्यू भी देखिए गाड़ी का, तो टेल लाइट्स भी काफ़ी एकदम न्यू कंडीशंस के हैं गाड़ी के अंदर और बिल्कुल मिंट कंडीशन की गाड़ी है ये। टायर चारों नए हैं गाड़ी के अंदर और ये देख सकते हैं आप लेफ्ट प्रोफाइल गाड़ी की, ये भी बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन कंडीशन में है और काफ़ी बढ़िया और व्यवस्थित गाड़ी है। और अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा इस गाड़ी का इंजन, कि 2014 मॉडल है, उसके बावजूद भी इस गाड़ी का जो इंजन है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी कंडीशन में रखा है। आज भी एकदम साफ़ सुथरी कंडीशन में, बैटरी भी इस गाड़ी की काफ़ी बढ़िया है। यानी कि आप लेते हैं हमसे गाड़ी तो आपको किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया और काफ़ी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सेटिस्फाई हैं हमारी गाड़ियों से और वो बताते भी हैं और कमेंट्स भी करते हैं कि भैया आप जो गाड़ी बताते हो आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, लेते के बाद सिर्फ पैसों की आती है। तो यार क्यों नहीं आएगी यार, हम अच्छी गाड़ी बेचते हैं तो दो पैसों की तो बात होगी ना यार, और दो पैसे लेते भी हैं आपसे तो आपको चीज़ अच्छी देंगे, ये चीज़ की 100% गारंटी है। तो देख सकते हैं आप गाड़ी का एकदम नीट एंड क्लीन कंडीशन का इंजन है। और अब बात करते हैं अपन इसके इंटीरियर की, जो कि एकदम नीट एंड क्लीन है। ये देखिए आप, काफ़ी बढ़िया है, सीट कवर भी हमने इसके अंदर नए लगाए हुए हैं और पूरी इंटीरियर देख सकते हैं आप नीट एंड क्लीन, धूल आपको दिखेगी नहीं गाड़ी में। स्टेयरिंग कवर भी एकदम नया है इसके अंदर, जो कि हमने अलग से लगवाया है, कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो आपको एक पॉजिटिव फील आए कि चलाने में आपको ऐसा नहीं लगेगी यार मैं पुरानी 2014 मॉडल की गाड़ी चला रहा हूँ। तो कोशिश यही करते हैं हम कि गाड़ी आपको अच्छी से अच्छी कंडीशन में आपको दें, बढ़िया दें, कि आप 2-4 साल परेशान ना हो। तो ये गाड़ी आपके बीच में अवेलेबल है और रियर में भी आपको दिखाता हूँ मैं इस गाड़ी के अंदर। जी, अब बैठने के बाद पीछे महसूस हुआ कि ये लोकप्रिय क्यों है ये गाड़ी इतनी जनताओं के बीच में। कहने का मतलब ये है कि बैठने के बाद जो एक प्रॉपर कंफर्ट, जैसे अपन बैठे हैं तो जो रियर में भी जो कंफर्ट होना चाहिए वो मिल रहा है इस गाड़ी के अंदर, यानी 3 लोग आसानी से इसके अंदर बैठ सकते हैं। लेग रूम भी काफ़ी बढ़िया दिया है, हेड रूम भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इस गाड़ी के अंदर। और आगे भी ऐसा नहीं है कि पीछे स्पेस है तो आगे नहीं है, आगे भी काफ़ी बढ़िया स्पेस है। मैं आगे स्टेयरिंग पे भी बैठा था तो बहुत बढ़िया लेग रूम और बहुत बढ़िया हेड रूम था, थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा था। इस कारण ये बिल्कुल एक आम लोगों के बीच में ये लोकप्रिय हुई है ये गाड़ी,
2009 से लेकर तो मेरे ख्याल से 2014 तक इस गाड़ी का एक अपना मार्केट था, बहुत ही ज़्यादा ग्रो पे था, यानी कि हर किसी की पसंद थी कि यार टाटा इंडिगो लेना है, टाटा इंडिगो लेना, क्योंकि यूटिलिटी काफ़ी थी इस गाड़ी की, यूज़फुल काफ़ी थी ये। एक तो सबसे अच्छी बात कि टाटा की मजबूत गाड़ी थी, उसके बाद में TDI जो टेक्नोलॉजी टर्बो डीजल इंजन, वो एक मैनुअल इंजन है और जो कि काफ़ी सक्सेसफुल इंजन है, उसके साथ साथ गाड़ी का एवरेज काफ़ी अच्छा था, देन उसके साथ साथ गाड़ी के अंदर स्पेस काफ़ी अच्छी थी, इसी के साथ साथ गाड़ी के अंदर डिक्की स्पेस भी काफ़ी बढ़िया दी हुई थी, तो ये लोकप्रिय होने का कारण यही था। और आज भी इस सेगमेंट की जो मार्केट में दूसरे ब्रांड भी गाड़ियां बना रहे हैं वो भी काफ़ी लोकप्रिय है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कभी आप रिजनेबल रेट में और एक बहुत अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं तो प्लीज़ विजिट करिएगा श्री मोटर पे और आके इस गाड़ी को एक बार ज़रूर देखिएगा। और अब अपन बात करते हैं इसके डिक्की की, तो मैं आपको इसकी बूट स्पेस भी बता देता हूँ गाड़ी की। काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस है इस गाड़ी का, जो कि आप देख सकते हैं एकदम, यानी कि पांच लोग हैं तो पांच लोगों के हिसाब से लगेज इसके अंदर आप आराम से कैरी कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया है। और साथ में एक और बहुत अच्छी बात है इस गाड़ी की, जो कि सबसे यूनिक पार्ट है, एक होता है एंगल ऑफ डिपार्चर, आप देखिए इस गाड़ी का जो कि पीछे होता है टायर और बम्पर के बीच का जो गैप होता है, आप देखिएगा कोई बड़ा पत्थर भी आता है तो आपका कभी पीछे तो बम्पर डैमेज नहीं होगा। देन उसी के साथ साथ आगे जो दिखाना चाहूँगा मैं, ये होता है आपका ये वाला जो पार्ट होता है, ये बम्पर के फ्रंट से लेके जो टायर के बीच का जो पार्ट होता है, ये होता है एंगल ऑफ अप्रोच, यानी कि आगे से भी कोई पत्थर या कोई बड़ी चीज़ आती है तो आपकी गाड़ी आगे तो बम्पर भी डैमेज नहीं होगा और ना ही इसका नीचे का चैम्बर डैमेज होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के टाटा ने इस गाड़ी को डेवलप करा था और काफ़ी बढ़िया चीज़ दी थी ये गाड़ी, और रिस्पॉन्स भी काफ़ी बढ़िया था उस समय भी, बहुत रिजनेबल रेट में इतनी बढ़िया गाड़ी डेवलप करके दी टाटा ने। तो सबसे पहले टाटा को भी धन्यवाद देना चाहेंगे हम, जो कि बहुत बढ़िया गाड़ी बनाई थी जिसने, और काफ़ी मजबूत है और काफ़ी अच्छी गाड़ी है। और आप रिजनेबल रेट में कोई सर्च कर रहे हैं गाड़ी तो प्लीज़ विज़िट करिए श्री मोटर पे और आइए। और रही बात कीमत की, तो वो आप कमेंट में लिखिएगा, कभी हमारे को उचित लगी तो हम आपको बिल्कुल देंगे। तो आइए आप, और स्वागत है आपका श्री मोटर पे। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ विज़िट करिए श्री मोटर पे, और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ शेयर करिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करिए और बेल का बटन दबाइए, और आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज़ आज के लिए दोस्तों अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।